वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम एशिया का जो सीरीज चला रहे थे उसमें सेंट्रल एशिया कर चुके थे, आज हम नॉर्दर्न एशिया करेंगे, जिसमें हमारा विशेष पार्ट है। नॉर्दर्न एशिया में आपको मालूम था रशिया का पार्ट पढ़ेंगे, और रशिया जो हम जानते हैं कि रशिया को हम ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, और इसमें आप जानते हैं कि ये एशिया में भी इसका पार्ट पड़ता है और किस में यूरोप में भी पड़ता है, उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और हर रोज़ तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो वास्तव में आशियाना बनाने के लिए तिनका तिनका जुटाना पड़ता है और रोज़ वो एक उड़ान भरनी है। तो आप आज ही से आप लगे रहिए, जुनून दिल में जगाए रखिए, और आपको भी अपना एक बड़ा सा आशियाना बनाएं और तिनका तुनका जुटाते रहें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में। आपने जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट था वो बहुत लाइक करा, और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से मेरे चैनल को पसंद करते रहें, और ये आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा पार्ट, और अब इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आज आपके लिए क्या विशेष है, और सब वीडियो से आपको कुछ विशेष मिलेगा। जैसे देखिए ये तो आपको दिख ही रहा है, और इसमें रशिया के कुछ मेन पॉइंट्स लिए हैं, वो भी आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग समझ में आएंगे। बाकी जो कंट्रीज बाउंड्री बनाते हैं उनके बारे में जानेंगे, टाइम जोन्स कितने हैं यहाँ पर ये समझेंगे, सारे सी वगैरह इसको कौन सी बाउंड्री बनाते हैं ये भी देखेंगे, माउंटेंस यहाँ के समझेंगे, और रिवर्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं, और इसी तरीके से वो उनके बारे में विशेष फैक्ट समझेंगे। साथ साथ हम यहाँ की लेक्स के बारे में विशेष तौर से समझेंगे, कुछ खास लेक्स, और यही सब कुछ है। अब ये देखिए इसको अच्छे तरीके से समझना शुरू करते हैं, मुझे लगेगा कि आपको कुछ बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो जनरल वीडियोस में नहीं मिलता है, जनरल किताबों में भी नहीं मिलेगा, मैं आपको उस तरीके से लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ है, एशिया की दृष्टि से देखें तो एशिया का जो है ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ। अभी इससे पहले हमने आपको ये सेंट्रल एशिया पढ़ाया था, पांच कंट्रीज़ के बारे में सीखा था, और अब इसका है एशिया वाला। एशिया में वैसे तो आपने देखा होगा कि यूराल माउंटेन, और उसके बाद में यूराल रिवर, एक कैस्पियन सी और कॉकेसस, फिर हमारा ब्लैक सी, तो ये सब यूरोप से बाउंड्री बनाते हैं। तो इधर का जो इसका बेस्ट पार्ट पड़ता है, यानी कि बेस्ट रशिया है, वो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट आ जाता है, और इधर नॉर्दर्न एशिया के रूप में आ जाता है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, आप समझ ही गए। अब इसको आगे विस्तार से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड का बाय एरिया, और बाउंड्रीज 14 कंट्रीज से शेयर करता है, वो भी जानेंगे। 11 टाइम जोन्स कौन से ये भी जानेंगे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल आप समझ ही गए। यूरोप्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर यूरोप इसका हिस्सा जो यूरोप में शामिल कर लें और रशिया को देखें, तो रशिया का यूरोप जो है, रशिया जो है यूरोप का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। बॉर्डर 3 ओशन से करता है, कैसे करता है ये भी जानेंगे। फोर्थ लॉन्गेस्ट है, ये भी समझेंगे कि फोर्थ लॉन्गेस्ट कैसे है कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कनाडा की है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे की है, थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया की है, और चौथे नंबर पे रशिया की है। वैसे आपको इतनी लंबी कोस्ट लाइन दिखेगी, लेकिन फिर भी ये फोर्थ नंबर पर आता है कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग। कनाडा नंबर 1 पे है, नॉर्वे सेकेंड, इंडोनेशिया इतने क्योंकि द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप हैं, इस वजह से उसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा हो जाती है। और बोल्गा रिवर जो है यहाँ पर, वो लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की है, 3531 किलोमीटर के, देखेंगे कहाँ से कहाँ तक बहती है। लेक बैकाल के बारे में, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम, और वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट भी है, प्योरेस्ट लेक भी है। अब इसके बारे में आप जान ही चुके होंगे, ब्लादिर प्रेसिडेंट है यहाँ के, व्लादिमिर पुतिन। तो आपने इनका क्रीमिया वॉर, मतलब इसका जो यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही होगा, उसमें रोजाना इनका चर्चा रहती है। पीएम यहाँ पर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, और मोनार्की अबोलिश्ड हुई थी यहाँ पर 1917 से, यानी कि राजशाही का अंत हुआ था, और आपने रशिया रूस की क्रांति इतिहास में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी हो तो एक बार ज़रूर थोड़ा जानिएगा इसके बारे में। सोवियत यूनियन 1922 में बना था, 1922 में सोवियत यूनियन बना था, और उसके बाद में 1991 में ये सोवियत संघ टूट गया था, और 15 देश बने थे जिसमें एक रशिया था, और 14 अन्य देश बने थे। और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी के बारे में बात करेंगे तो मॉस्को है, जानेंगे कहाँ पर है, कल्चरल सेंटर सेंट पीटर्सबर्ग है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का। एथनिक ग्रुप कौन से हैं, रशियन, तातर और चेचेन और वस्किर। लेजिस्लेचर कौन सा है, फेडरल असेंबली,
और अपर ऐसा हाउस को उसके कहते हैं फेडरेशन काउंसिल, और लोअर हाउस को कहते हैं स्टेट ड्यूमा। ड्यूमा के नाम से सुना होगा, करेंसी रूबल है। ये तो हो गए सम फैक्ट्स। अब इसके बारे में इसको जानते हैं। सबसे पहले गलती से शुरुआत करते हैं। गलती का शुरुआत का मतलब है, गलती को आपको बताते हैं, गलती है यहाँ पर, ये स्वीडन लिख गया है, स्वीडन यहाँ है, इसके बाद में ये फिनलैंड है, तो ये इसको नोटिस मत करिएगा, ये टाइपिंग एरर है। और इसको ये है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसको केवल इस फोटो के अनुसार मत लीजिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको नोटिस कर लिया है, इसीलिए देखते ही मैं तुरंत पकड़ लिया गलत है। लेकिन एक कंट्री के बारे में तो यहाँ पर अब जानेंगे। तो आप देखिए इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले इसी को सबसे पहले बताते हैं। स्वीडन हटाइए, ये फिनलैंड है, बाउंड्री बना रहा है। और ये एक जो विशेष गोला लगा है, इसका मतलब क्या है, ये छोटा सा हिस्सा नॉर्वे का ऊपर से होते हुए यहाँ आता है, जो कि लोगों को नॉर्वे इधर दिखता है, काउंटिंग करते हैं नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, फिर क्या होता है तो ये भूल जाते हैं कि नॉर्वे रशिया से कहाँ पार्ट लगा रहा होगा, वो तो इससे इधर की तरफ पड़ता है। लेकिन ये सही बात ये है, इतना ध्यान रखना है कि नॉर्वे ऊपर से आके लगता है। तो ये नॉर्वे हो गया, फिर फिनलैंड हो गया, फिर ये तीन बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक कंट्री, क्योंकि ये बाल्टिक सी है जो बीच में दिख रहा है वाइट कलर का, ये बाल्टिक सी है, इसमें तीन कंट्री पड़ते हैं। कौन से, इन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं क्योंकि बाल्टिक सी से ये लगा रहे हैं सीमा। और इधर किससे लगा रहे हैं, अब एक और विशेष बात देख लीजिए इसी में, तब आपको समझ में आएगा। बार बार स्वीडन पे ध्यान मत दीजिएगा, वो क्या है, स्वीडन नहीं है बल्कि क्या है, फिनलैंड, स्वीडन ये है, ठीक है, स्वीडन ये है, ये फिनलैंड है। इसको पहले ही हटा देता हूँ, बार बार वहीं जाएगा ध्यान, गलती पे तो जाता है ना बार बार ध्यान, लेकिन ये गलती नहीं है, टाइपिंग एरर है। तो ये आ गया आपका एस्टोनिया दिख रहा है, ये लाटविया आ गया, लेकिन आपको लग रहा होगा ये तो अलग है, लिथुआनिया, ये कैसे इन्होंने इससे, इसका बाउंड्री तो यहाँ पर, यहाँ थोड़ी ना, यहीं पर एक विशेष ध्यान रखना है, जो आपको रखना है, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना छोटा सा, इसको मैं खूब कर देता हूँ ऐसे, जिससे आपकी विशेष नज़र जाए इस पर। अब है देखिए, तो ये जो है कालिनग्राद बोलते हैं इसको, ये भी यहाँ से इधर तो है, लेकिन ये रूस का पार्ट है, तभी तो येलो दिखाया मैंने, रूस का पार्ट है, तो यहाँ पर भी इसीलिए कहते हैं रूस से बॉर्डर, पोलैंड भी लगा रहा है, जबकि इधर से देखेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन पोलैंड बना रहा है। ऐसी लुथानिया यहाँ पे इधर से बाउंड्री नहीं बना रहा है, यहाँ पर आके बाउंड्री बना रहा है। तो कालिनग्राद की वजह से ये दो देश भी शामिल हो गए, पोलैंड और लिथुआनिया। तो बाल्टिक सी, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया लाली क्या है, बाल्टिला, एस्टोनिया लाली बाल्टिला, एस्टोनिया लाटविया लिथानिया। अब क्या हो गया है, ये बेलारूस, रूस से याद रहेगा बेलारूस, यूक्रेन वॉर की वजह से, यूक्रेन पता ही है आपको कि ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका नॉर्वे एक नंबर, और ये फिर दो नंबर क्या हुआ आपका फिनलैंड, और तीसरा क्या हुआ आपका एस्टोनिया, लाटविया, चौथा ये लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, इधर से तो ये हो गए। अब आते हैं आगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जॉर्जिया, ये अजरबैजान, यहाँ पे अजरबैजान, लेकिन ये जो है दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाइट वाला, ये क्या है, आर्मेनिया है, लेकिन ये इससे बॉर्डर नहीं बनाता। अब ऐसे ही ये सेंट्रल एशिया के देशों में आपने देखेंगे, सेंट्रल एशिया के देशों में जो हमने पढ़े थे उसमें केवल कजाकिस्तान बना रहा है इससे बॉर्डर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा हिस्सा, ये बीच में कजाकिस्तान और इसके बीच में चाइना और रशिया का बॉर्डर बनना है, और इधर क्या हो गया मंगोलिया, और फिर इधर आ गया चाइना। लेकिन अब एक फिर एक विशेष चीज़ देखना है आपको, ये नॉर्थ कोरिया जो है ये हल्का सा यहाँ ट्राई पॉइंट बनना है, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर आकर ट्राई पॉइंट बनना है, ट्राई पॉइंट तो यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब बना रहे हैं, और ठीक है, तो अब ये यहाँ पर, और ये है फिनलैंड, ठीक है, ऊपर नॉर्वे, तो ये हो गया, तो ये बॉर्डर कंट्रीज हो गए हमारे। अब आप देखते हैं यहाँ पर टाइम जोन्स, जैसे इंडिया में एक टाइम जोन है, यानी कि 82.5 डिग्री पर जो हमारी टाइम लाइन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, तो वो हमारे पूरे इंडिया को उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग बांट दिया गया कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन करेगा काम, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट वाले को टाइम नोटिस करेगा वही वेस्टर्न वाला,
इंडिया का तो सब कुछ एक ही रहता है, लेकिन यहाँ अलग अलग टाइम जोन है। जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन वाला वही पतला सा हिस्सा दिखाया था, येलो वाला कालिनग्राद, तो कालिनग्राद जो है वो मतलब मास्को को टाइम, इन्होंने जीरो लेवल मास्को को माना है कि मास्को का टाइम से ही सबको कैलकुलेट करना है। मास्को के टाइम को ले लिया जो भी उन्होंने वहाँ से लिया मेन टाइम लाइन से, तो जो भी टाइम यहाँ पर होगा उसका माइनस 1 घंटा कालिनग्राद का टाइम लिया जाएगा। फिर समारा ये दिख रहा है, समारा का 1 घंटा प्लस। फिर ये केतेरिनबर्ग, ये केतेरिनबर्ग जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ये पूरा एक एरिया है, लेकिन इस एरिया में पूरा एक केतेरिनबर्ग को आपने जो सीखा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा जब सिटीज़ के बारे में बताऊंगा इनके मतलब, तो उनके बारे में एक केतेरिनबर्ग को आपको याद दिलाऊंगा कहाँ पे आपने पढ़ा है। तब तक आप सोचिए कहाँ आपने इसको पढ़ा है। ओमस्क हो गया, क्रैसोनो याक्स हो गया, नाम याद कर लीजिएगा, इरकुटस्क कुछ तो याद रहते हैं मुझे भी, इरकुटस्क याकुटस्क मेगाडन और ये कमचटका। अब एक मेन है ये ब्लाडिवोस्टक, ब्लाडिवोस्टक से लेके मॉस्को तक आपने एक ट्रांस साइबेरियन लाइन पढ़ी होगी, रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन, तो वो ब्लाडिवोस्टक ये चाइना बॉर्डर पे आता है जाके। तो अभी देखेंगे आगे, लेकिन ये टाइम जोन समझाने थे कि 11 टाइम जोन है यहाँ पर इंडिया में, एक या 11 टाइम जोन, जो कि माइनस 1 घंटा इधर है और 9 घंटा इधर है, यानी कि 0 से 9 घंटा इधर माइनस 1 उधर, बताओ कितना सब कुछ चलता है। अब 3 कंट्रीज मतलब जो हैं कनेक्ट करते हैं 3 ओशंस को वर्ल्ड में, केवल 3 देश ऐसे हैं जो तीन तीन ओशंस से कनेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 3 ओशंस से कनेक्ट करने वाले केवल 3 ही देश हैं, जिसमें पहला रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है। कनाडा यूएसए को अभी केवल नाम याद कर लीजिए, बाद में जब उनके बारे में पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा कहाँ पर करता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कर रहा है, 3 उससे कनेक्ट 3 ओशन से। सीज तो बहुत सारे हैं, ओशन ओशन आपको दिख रहेगा, ईस्ट में क्या है पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नॉर्थ वाला पार्ट है तो नॉर्थ पैसिफिक बोला है मैंने। ऊपर आपको पता ही है आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में इसके, और इधर जो है आपको ये इस टाइप में जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अभी छोटा दिखाया है, बाद में आपको डिटेल में दिखा दूंगा, अभी आप केवल इतना देखिए इसका जो बेस्ट पार्ट है वो कहाँ पर दिख रहा है, जो अभी देख के आए थे ये स्वीडन मत देखिएगा, फिर यहाँ पर फिनलैंड देखिएगा जो उसी चीज़ को कॉपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ से एंट्री करके क्या दिख रहा है, फिनलैंड की खाड़ी से होते हुए ये बाल्टिक सी में जाते हैं, और बाल्टिक सी किसका पार्ट है, ये अटलांटिक ओशन का है। ऐसे ही इधर से ये ब्लैक सी जो है इससे जाते हैं कहाँ पर, मेडिटेरियन में जाते हैं, तो वो किसका पार्ट है, अटलांटिक का। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में अटलांटिक से मिलता है, तो ये आर्कटिक, अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक, ये 3 उनसे मिल रहा है। तो अब इन्हीं जो है यहाँ पर देखिए बैरेंट सी ये पड़ा था, कारा सी, लापटेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, तो इनको इधर बाल्टिक हो गया, इधर ब्लैक सी हो गया, ये हमने पहले ही पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ये मेन चीज़ ये पढ़ी है, ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था पहले भी, बैरेंट सी, कारा सी, लापटेप, ईस्ट साइबेरियन और चुकची, और फिर इधर बेरिंग सी, इधर सी ऑफ ओकोटस्क, इस तरीके से इसकी बाउंड्री बना रहे हैं ये। तो मैंने बताया था पेरेंट्स से काला लैपटॉप, कारा लैपटॉप, काला ब्लैक सी उधर है लेकिन उसे काला ना को ब्लैक सी कहते हैं, कारा सी, पेरेंट्स ने काला लैपटॉप सिमरन से, मतलब पेरेंट्स से काला लैपटॉप सिमरन ले चुकी, तो सिमरन साइबेरियन ले चुकी चुकची, तो ऐसे याद कराया था, बाकी अपनी ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन मुझे इसी से याद है बेरिंग सी, और वैसे तो मुझे कारा लैपटॉप सिमरन ले चुकी इससे याद रहता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारा, अब आते हैं माउंटेन्स को। माउंटेन्स को आपने यूराल तो बहुत अच्छे से सीख लिया है, यूराल, अब आगे देखते हैं यहीं पर और अच्छे से समझते हैं इसको, और से यूराल के बाद में ये आपने देखा ये साइबेरिया वाला पार्ट पड़ता है इधर, ये पूरा साइबेरिया है, और इधर आपका जो हो गया जो वेस्टर्न रसिया वाला पार्ट हो गया, ईस्टर्न इधर पे आता है साइबेरिया। अब साइबेरिया के बारे में कुछ विशेष फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको, ये तो इधर पूरा जो है 3/4 पार्ट पड़ता है एशिया वाले पार्ट में, और ये 1/4 बचा इधर, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब जो साइबेरिया में 3/4 भाग पड़ा इसको भी 3 में बांट कर दिया है,
वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, सेंट्रल साइबेरियन जो है प्लेटू है, और इधर ईस्ट साइबेरिया है, यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स हैं। तो ये तीन पार्ट्स में हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं, तो ये यहाँ पर विंटर में -70 डिग्री तक, आपका जो विंटर में -70 डिग्री तक हो जाता है टेम्परेचर, इतना माइनस में, तो यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है पूरी तरीके से। और दूसरी बात मैंने बताया था ना कि जो यहाँ पर 70% जो है, ये तो -70 डिग्री हो गया, 70% यहाँ का जो रशिया का जो ऑयल और गैस जो है क्या है, कहाँ से आता है, इसी साइबेरियन वाले क्षेत्र से, यानी कि ये जो रशिया वाला मतलब एशिया वाला क्षेत्र है, इससे मिलता है रशिया को। तो आप समझ सकते हैं कि ये साइबेरिया का कितना बड़ा फायदेमंद क्षेत्र है इनका, और यहाँ पर ज़्यादातर टाइम विंटर में बर्फ़ जम जाती है, तो इनका कनेक्शन किससे, ये ऊपर वाले हिस्से से, इन वाले सी से नहीं रहता है। अब इनसे नहीं रहता है तभी, इसीलिए इनके लिए ब्लैक सी वाला जो रास्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नहीं तो इनको इधर से ये वाले हिस्सा जो है पैसिफिक ओशन का जाने का है, तब भी यहाँ पर सब बर्फ़ बर्फ जम जाती है, तो वो भी दिक्कत है। तो कनेक्टिविटी के लिए इनको बड़ी दिक्कत रहती है विंटर के उसमें, तो इन्हें रास्ता चाहिए। बाकी तो इनको बर्फ़ काटने वाले इनके जो वो जहाज़ वगैरह हैं वो सब हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस एरिया ये है, इनका मोस्ट पॉपुलस एरिया इधर है। अब एक चीज़ और सबसे बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर जब हम ये इनके ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, बैरेंट सी तो आपने पढ़ा ही था, बैरेंट से नीचे पड़ता है वाइट सी, फिर इधर ये कारा सी पड़ा था, फिर इधर लैपटॉप पड़ा था, लैपटॉप पड़ा था लैपटॉप से, ईस्ट साइबेरियन हो गया, चुकची हो गया, बेरिंग स्ट्रेट में बेरिंग सी हो गया, और इधर सी ऑफ ओकोटस्क हो गया, और फिर इधर नीचे जाके सी ऑफ जापान है, और इधर जो है आपका यहाँ पर जो पड़ता है वो नॉर्थ पैसिफिक पड़ता है। ये तो हो गया आपके सी से संबंधित, और इधर ये ब्लैक सी है, और इधर ये बाल्टिक सी हो गया, ये तो इतना जान लिया, और ऊपर आर्कटिक ओशन हो गया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे वैसे नोट नहीं करी है, लेकिन देख के याद आ गई कि नोट करना भूल गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऊपर वाला ये एरिया, ये नहीं, ये एरिया जो, ये एरिया यहाँ पर जो है, तो इस तरीके से ये जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर जो वो पड़ते हैं मतलब प्रिंस रूडोल्फ आइसलैंड पड़ता है, रूडोल्फ रूडोल्फ अरे रूडोल्फ आइसलैंड है। तो ये रूडोल्फ आइसलैंड कहाँ पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है यहाँ पर। तो इस रूडोल्फ आइसलैंड पे एक है केप फ्लिजली, FLIGELY फ्लिजली, क्या है, केप फ्लिजली, यहाँ पर, सॉरी सॉरी, केप फ्लिजली, ठीक है, तो आपका यहाँ पर केप फ्लिजली पड़ेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब अगर हम यहीं पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो हमारा जो मेन वो पड़ेगा क्या नाम है, ये तो हो गया वैसे, फिर लैंड वाला देखेंगे, तो लैंड में पड़ेगा हमारा नॉर्दर्न मोस्ट केप चेलिस्किन, इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, CHELYSKIN, नोट कर लीजिएगा, ये केप चेलिस्किन, ये कहाँ पे पड़ेगा हमारा, ये पड़ेगा तिमेर पेनिनसुला, यहाँ पर पड़ेगा, तो ये इस पेनिनसुला में पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारे दोनों, लैंड वाला हो गया, और ये हो गया हमारा रुडोल्फ पे जो है केप फ्लिजली, वो हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ये क्या है, एशिया का है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न और वो सब पड़े थे मोस्ट पॉइंट, ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट में आपको, यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके ऐसे करता हूँ जिससे यहाँ पे समझाने में आसानी होगी, बेरिंग स्ट्रेट पे आपको दो ऐसे करके बीच में यहाँ से डेड लाइन गुजर रही है, हर चीज़ तो हाँ अब समझ में आएगा, यहाँ से डेड लाइन गुजरती है बीच से, तो यहाँ पर आपको ये दो आइसलैंड ऐसे दिखेंगे इसमें बेरिंग सी में, और इनमें एक है, इसको कहते हैं, नाम नोट कर लीजिएगा, डायोमीड, डायोमीड, तो इधर वाला है ये तो बिग डायोमीड बोलते हैं, और इधर वाला जो है इसे लिटिल बोलते हैं, लिटिल डायोमीड।
लिटिल डायोमीड ये, अब इसको फिर से समझा देता हूँ जिससे नाम हट गया है ऐसे। ये लिटिल डायोमीड है, ये तो पड़ता है अलास्का में यूएसए वाले क्षेत्र में, और ये पड़ता है रशिया वाले क्षेत्र में बिग डायोमीड। तो बिग डायोमीड जो है यहीं इस आइलैंड को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब अगर दूसरा हम देखेंगे मेनलैंड में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपका पड़ेगा, इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, केप DEZNEV, डेजनेव। डेजनेव ये डेजनेव जो है ये कहाँ पड़ेगा, चुकची पेनिनसुला। चुकची पेनिनसुला है यहाँ पर, ये दिख रहा है छोटा सा हिस्सा निकला हुआ चुकची पेनिनसुला में। तो लैंड वाला चुकची में हो गया और बाकी बिग डायोमीड। तो ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नोट नहीं किए इसलिए स्पेलिंग लिख दी है, आप ध्यान दे दीजिएगा इन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं जो मेन आपको चीज़ें हैं वो समझाने पे आता हूँ। तो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन का जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो है नरोदनाया, नरोदनाया माउंटेन 1895 मीटर की। और ये आपने कॉकेसस सुनेंगे, कॉकेसस माउंटेन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये किस किस में, यहाँ पर आपने देखा होगा जॉर्जिया, अजरबैजान और फिर रशिया वाले पार्ट में पड़ता है। तो ये जो माउंट एल्ब्रुस, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कॉकेसस की, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, तो ये माउंट एल्ब्रुस 5642 है। तो ये कहाँ पर पड़ती है, ये एशिया मतलब ये रशिया वाले पार्ट में पड़ती है, रशिया वाले हिस्से में पड़ रही है। तो ये हो गया नरोदनाया, एल्ब्रुस, और ये माउंट कैमेन। कैमेन ये साइबेरियन प्लेटू का सबसे ऊंचा हिस्सा है, चोटी है। और ऐसे ही ये अल्टाई माउंटेन्स, मैंने आपको सेंट्रल एशिया पढ़ाया था तब पढ़ाया था, अल्टाई माउंटेन्स बताया था, कजाकिस्तान में भी पड़ते हैं, चाइना में भी पड़ते हैं, और मेन पार्ट इसका किस में पड़ता है, जो ये है आपका मंगोलिया, और इधर पड़ता है रशिया का थोड़ा सा पार्ट। तो ये माउंट बेलुखा, तो बेलुखा, केमेन, नरोदनाया, एल्ब्रुस, ये चार जरूर चोटियाँ याद रखिएगा। अब इनका ये सीरीज़ याद रखिएगा माउंटेन्स की। तो ये तानाओला यहाँ पर पड़ेंगे, ये दिख रहा है तानाओला, फिर सयान की आएगी, फिर यावोनोवाय, स्टेनोवाय, स्टेनोवाय भी बोलते हैं, स्टेनोवोर भी बोलते हैं, चेरेंस्की, चेरेंस्की आएगा, फिर उसके बाद में आपका ये इधर आएगा कोलिमा, कोलिमा, ठीक है, कोलिमा, चेरेंस्की, स्टेनोवाय, और इधर आया बरखोयानस्क, और ये बेरिंगा। तो ये ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू हुआ अल्टाई, तानाओला, सयान, यावोनोवाय, स्टेनोवाय, चेरेंस्की, कोलिमा और बरखोयानस्क, बेरिंगा, और ये सेंट्रल साइबेरियन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन है फिर। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर पेनिनसुला, देखिए ये आपको कमचटका पेनिनसुला दिखेगा यहाँ पे निकला हुआ, इससे पेनिनसुला तीन ओर से पानी से घिरा लैंड एरिया दिखता है ना, तो कमचटका पेनिनसुला। और यहाँ पर ये है सखालिन आइसलैंड, ठीक है, सखालिन आइसलैंड, और इनके बीच में ये दिख रहा है सी ऑफ ओकोटस्क। और इसके नीचे आएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा ये है सी ऑफ जापान, और सी ऑफ जापान, और इनके बीच में ये जो है क्या है, सखालिन आइसलैंड और रशिया के इस पार्ट के बीच में ये है तातर स्ट्रेट। तो अगर टाटर स्ट्रेट कौन से सी को जोड़ती है, सी ऑफ जापान को और सी ऑफ ओकोटस्क को, और कौन लैंड एरियाज के बीच में पड़ती है, सखालिन आइसलैंड और रशिया के बीच में। अब ये क्यूरिल आइसलैंड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सही से दिखाया, ये देखिए सी ऑफ ओकोटस्क और तातार और इसके बीच में, तो ये क्यूरिल आइसलैंड थोड़े से दिख रहे हैं इस तरीके से आगे आए हैं, तो क्यूरिल आइसलैंड। तो इनका जापान से विवाद रहता है क्यूरिल आइसलैंड का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बेरिंग सी में बेरिंग स्ट्रेट आती है, जो किससे, जो आर्कटिक को जोड़ती है किससे, नॉर्थ मतलब पैसिफिक से, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन हो गया आपका। और कैस्पियन सी इधर देख ही रखा है, ब्लैक सी आपने इधर देख ही रखा है, कैस्पियन और ब्लैक सी। अब इसमें ज़रा सा एक चीज़ और देख लीजिए, जो आगे ना भी समझाया जाए तो भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर दिखेगा ये हिस्सा दिखेगा, ये वाला है सी ऑफ एजोब, और इसके नीचे क्या दिख रहा है, क्रीमिया। तो आपको यहीं पर मैंने एक वो दिखाई थी सी ऑफ, ऐसे करके सी ऑफ एजोब, फिर ये ब्लैक सी था ये वाला हिस्सा, इनके बीच में एक स्ट्रेट बताई थी कर्च स्ट्रेट। तो
जो मैंने बताया था कि कर्च स्ट्रेट जो किसको जोड़ती है, सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी से, कर्च स्ट्रेट। तो और कर्च स्ट्रेट में ही एक है तुजला, TUZL, तुजला आइसलैंड, ये याद रखिएगा, इसके कर्च स्टेट के बीच में पड़ता है तुजला आइसलैंड। वैसे ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी मतलब ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये कर्च स्टेट जरूर याद रखिएगा, कर्च स्टेट के माध्यम से ही किससे, ब्लैक सी से जोड़ते हैं। और जो आपको बताया मैंने क्रीमिया वाला हिस्सा, क्रीमिया वाला हिस्सा मैंने बताया, तो क्रीमिया में एक पड़ता है सेवास्तोपोल। सेवास्तोपोल ये क्या है, एक पोर्ट है जो यहाँ पर पड़ेगा ब्लैक सी के बॉर्डर पे, मतलब ब्लैक सी से जो क्रीमिया जुड़ रहा है वहाँ पर, सेवस्तोपोल, क्रीमिया पोर्ट बोलते हैं। सो क्रीमिया किसके कब्जे में इस टाइम, रशिया के कब्जे में। और बाकी ये हिस्सा जो है यूक्रेन का है, जिसकी वजह से वॉर चल रही है, और ये इस पे मतलब अधिकार के क्षेत्र में चल रही है। बाकी तो आपको ज़्यादा डिटेल पता ही है, नाटो और उसके बीच में क्या संघर्ष चल रहा है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है नाटो यूक्रेन को, और कहाँ किसकी गलती है, उसके बारे में डिटेल में आप जानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो तीन आपको आइसलैंड और याद रखने हैं, जिससे आपको ये चीज़ें और वो हो जाए जानकारी। एक ये है नोवाया जेमिया, ये पूरा दिख रहा है नोवाया जेमिया, इसमें माउंट सेडोवा जो है इसकी पीक है। ये सेवरनाया जेमिया, नोवाया सेवरनाया जेमिया ईस्ट साइबेरियन, और यहाँ पे मैंने रुडोल्फ बताए, ठीक है, रुडोल्फ बताए, प्रिंस रुडोल्फ आइसलैंड, ये चार याद रखिएगा, रुडोल्फ पे लिखना भूल गया हूँ इसलिए उसको नोट कर लीजिएगा। तो आपने कितना सब कुछ सीख लिया यहाँ पे, केमेन, ये केमेन, और ये बेलुखा, एल्ब्रोस, नरोदनाया, और ये बाकी ये सारे माउंटेन्स की जो रेंजेज वगैरह हैं। तो आपने सारा ये देख लिया, यहाँ पर कितना कुछ सीखने को मिलेगा ये आप ही को पता होगा, बाकी मैंने तो बहुत कुछ शामिल करना चाहा है इसमें। अब ये देखिए रिवर इसका सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दिखेंगी, बोलगा, डॉन, ये सब जो है, ये जो है मैं आपको अभी यहाँ पर इसलिए एक साथ लगाया है क्योंकि आप इसको जूम करके जान सकते हैं कि किस किस है। इधर बोलगा पड़ेगी, फिर इधर कहते लगे कि ओब है, इसी से है, फिर इधर एनिसी है, फिर लीना है, फिर इंडगार का है, फिर कोलिमा है, फिर अनादिर है। तो इस तरीके से इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये लेक बेकाल वगैरह हैं, इनको अभी सही से पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आगे टुकड़ों के हिसाब से लिया है, जिससे आपको सब समझ में आता रहे। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं बलदाई हिल, यहाँ पर पड़ेगी, ये गोला दिख रहा है, ये बलदाई हिल है। तो बलदाई हिल से यहाँ पर तीन नदियाँ निकलती हैं, तीन नदियाँ निकलती हैं, एक तो ये है बोलगा, ये बोलगा जो है यहाँ से निकल के कहाँ गिर रही है आपकी, कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी में, ठीक है, एक ये नदी हो गई। और अब इसके बाद में दूसरी नदी यहीं से गई है नेपियर, नेपियर कहाँ जा रही है, ब्लैक सी में। तो ये किससे जा रही है, ये बेलारूस बताया था मैंने, ये किसका बताया था मैंने, ये आपने जो अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है यूक्रेन का बहुत सीखा, तो ये बीच यूक्रेन के बीच से होती हुई जा रही है, किससे, ब्लैक सी में। तो ये नेपियर याद रखिएगा, बलदाई हिल से ही निकल रही है, मतलब रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और ब्लैक सी, तो ये दो हो गई। फिर यहीं से आ गई है डुगोवा, डुगावा जो है ये यहाँ से निकलेगी बेलारूस होती हुई। फिर ये आपने तीन मैंने बताए थे क्या, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये बीच वाला लाटविया है, लाटविया से निकल के यहाँ पर ये दिखेगी रीगा की खाड़ी, यहाँ पर जो है बाल्टिक का ये हिस्सा जो है ये रीगा की खाड़ी है, इधर फिनलैंड की खाड़ी है। तो इधर वाला रीगा की खाड़ी से में गिरेगी, और ये क्या है बाल्टिक सी से जुड़ जाती है। तो यहाँ से तीन डायरेक्शन में आपको दिख रही होगी तीन नदियाँ। अब बात करते हैं इसके नीचे, पहले अच्छा इसी को बोलगा को समझ लीजिए। बोलगा में एक इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी फेमस है कामा, और एक इधर है ओका। तो जो ओका की ट्रिब्यूटरी एक निकली है ऐसे करके, वो है मस्कवा, मस्कवा या मॉस्को रिवर, या मॉस्को इसी के किनारे स्थित है मॉस्को। तो इसकी जो कैपिटल है मॉस्को कहाँ हो गई, इसके किनारे, ठीक है। तो आपने ये जाना बोलगा। अब इसके नीचे से है डॉन, अब ये डॉन कहाँ से निकली है देखो, डॉन के बारे में मैंने नोट कर दिया है क्योंकि टूला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, ये सी ऑफ एजोब में गिर रही है, मैंने बताया था ना सी ऑफ एजोब, फिर यहाँ पर ये समझाया था। तो ये देखिए ये डॉन यहीं से रशिया से निकल रही है टूला क्षेत्र से, यहाँ से आई होती हुई इधर ये सी ऑफ एजोब में गिर गई।
तो सी ऑफ एजोब में, और इसी की जो एक सहायक नदी है जो कौन सी मिली है आके इसमें, डोनेट्स मिली है आके, ये डोनेट्स मिली है आके इसमें, ये कहाँ से आ रही है, हमारी यूक्रेन से। तो आपने यहाँ का पूरा ये चीज़ समझ गया। अब इसी में जो बोलगा में है, ये बोलगाग्राद एक पड़ेगा शहर, और ये यहाँ पर जो कैस्पियन से मिलने वाली होती है, तो अस्त्राखान, अस्त्राखान है। तो हमने तीन देखे, मॉस्को, बोलगाग्राड और अस्त्राखान। बोलगाग्राड और अस्त्राखान किससे है, बोलगा रिवर पर है, और जो मॉस्को है मस्कवा है, जो कि हमारी किसकी, इसकी सहायक ओका की सहायक उससे मिलती है। यहीं पे हम माउंट यूराल से हम पढ़ चुके हैं, यूराल रिवर जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाती है, कैस्पियन सी में गिरती है, वो भी माउंट यूराल के साउदर्न पॉइंट से निकलती है, ऐसे करके आती है, कजाकिस्तान से बटती हुई किसमें आती है, इसमें। तो ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो गया आपका। तो आपने यहाँ पर ये सब जान ली, कौन सी, बोलगा सीख ली, नेपियर सीख ली, डुगावा, डॉन और डोनेट्स, ये हो गई इधर की। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे उसके बाद में आते हैं यूराल के इधर साइबेरिया वाले क्षेत्र में। साइबेरिया वाले क्षेत्र को जानते हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें सबसे पहले तो दिखेगा नीचे की तरफ, ये दिखेगा आपको मंगोलिया, और इधर दिखेगा आपको कजाकिस्तान। तो मैंने बताया था यहाँ पर जो मंगोलिया से क्या था, अल्टाई माउंटेन्स, वहाँ से मैंने बताया था एक तो नदी इरटेश है इधर की तरफ, इससे ऊपर थोड़ा यहाँ पर दो नदियाँ दिखेंगी आपको, इनको मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है इससे क्राई क्षेत्र होता है, क्राया क्षेत्र है, अल्टाई क्राया, अल्टाई, अल्टाई का जो रशिया वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है ये, किसके, मंगोलिया के बॉर्डर से। तो ये दो रिवर बनाती हैं मिलके, क्या, अभी देखिए दो रिवर हैं, बिया और कातुन। कातुन और बिया मिलके हमारी कौन सी बना रही है, ओब रिवर। ये इस तरीके से कातुन और बिया मिली हैं, ऐसे करके ओब रिवर बनी, और यहीं से नीचे जो अल्टाई माउंटेन से निकली है इल्टेस मिली, इल्टेस निकली। अब ये दोनों रिवर ऊपर जाकर, ये देखिए ये दोनों जाके इस तरीके से, ये ओब आ रही है और ये इल्टेस आ रही है, ये दोनों मिल गई यहाँ आके। यहाँ से आने के बाद में ये ओब रिवर इधर चली गई और जाके आर्कटिक सी के उसमें जा रही है। तो अब ये देखिए यहीं से मैंने इशिम को पढ़ाया था, इशिम यहाँ से निकली थी, मतलब इधर से निकल के इसमें मिली थी, ये कहाँ पर, इसके किनारे कौन था, अस्ताना था। ऐसे टोबोल है, ये टोबोल इसकी सहायक है, ये भी किसकी सहायक है, इल्टिस की। इशिम और टोबोल इल्टिस की सहायक है, इल्टिस की एक सहायक आपको इधर और मिलेगी, वो हमारी जो है आईसेट, ISET, आईसेट रिवर आएगी यहाँ पर। और ये आईसेट रिवर पर हमें मिलेगा कौन सा, जो हमने अभी पढ़ा था, एकेतेरिनबर्ग। एकेतेरिनबर्ग क्यों फेमस है, वो मिलेगा आपको एकेतेरिनबर्ग, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का पहला जो सम्मिट हुई थी वो हुई थी 2009 में, तो वो एकेतेरिनबर्ग में ही हुई थी रशिया के, तो वो ब्रिक्स की 2009 की सम्मिट याद रखिएगा। तो वो एकेतेरिनबर्ग किसमें है, ये टोबोल की सहायक पड़ेगी, बार बार आ जाता है, तो इसकी सहायक है आईसेट, आईसेट, आई सेट पे स्थित, देखा आई सेट पे, और क्या, एक है तेरेनबर्ग, ठीक है। अब ये ओमस्क जो है एटिस पे स्थित शहर है, और ये नोवोसी बक्स ये किस पे स्थित है, आपका ओप पे। तो ये चीज़ तो हमने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये नदी, ये क्या है हमारी, एनएसी, एनएसी जो है यहाँ से निकलती है, कहाँ से, मंगोलिया के नॉर्दर्न वाले हिस्से से, यहाँ से निकल के ऐसे आई और इस तरीके से एनएसी चली गई, किसमें, काला सी में, कारा सी में। तो अब ये क्या होता है, इस तरीके से इधर जो है ये बेकाल लेक दिखेगी आपको, बेकाल लेक से निकलती है, बेकाल लेक से निकलती है, बेकाल लेक में नहीं गिरती, बेकाल लेक से एक नदी निकलती है अंगारा, और वो किसको पानी देती है, मतलब किसका फ्लो बढ़ाती है, एनएसी का। और ये कहाँ गए, कारासी में, ऐसी एनएसी की एक है टंगस्का या टुंगुस्का बोलेंगे, ठीक है, एक ये हो गई। तो ये टुंगुस्का, अंगारा, ये उसकी हो गई। अब इन पे स्थित शहर देख लीजिए कौन से हैं, इरकुटस्क हो गया अंगारा पे, ब्राटस्क हो गया अंगारा पे, अबाकान हो गया हमारा एनएसी पे, नोवोसिवक्स हो गया ओप पे, ओमस्क हो गया एरिटेस पे, ये हमारे चार वो हो गए। अब आते हैं हमारा इसी से जो हमारी
वैसे तो इससे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन एक नदी क्या है, सेलेंगा। सेलेंगा जो है ये मंगोलिया की तरफ गई है। सेलेंगा किससे, बैकाल लेक से। अब आते हैं हम उससे आगे लीना पे, पढ़ते हैं लीना। लीना की बात आती है तो लीना जो है कहीं दिखाया गया होगा आपको लेक बैकाल से, लेकिन लेक बैकाल से निकले यहाँ पे बैकाल माउंटेन पढ़ते हैं। बैकाल माउंटेन से निकल के आती है लीना और इस तरीके से आगे बढ़ती है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ के लैपटेप सी में जाके गिरती है। इसकी दो सहायक हैं, ब्लूई ब्लूई और अल्डान। ये अल्डान और ब्लूई इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में जान लीजिएगा। फिर इसके बाद में आते हैं, ये है आपका इंडिग्रिका। इंडिग्रिका फिर आती है कोलिमा और फिर अनादिर। ये अनादिर है, अनादिर आपको दिखेगी यहाँ पर, ये अनादिर दिखेगी। अनादिर किस में गिर रही है आके, बेरिंग सी में जाके गिर रही है। तो इस तरीके से ये कहाँ हो गई, ईस्टर्न साइड में हो गई अनादिर। अब एक आमूर रिवर दिखेगी आपको। आमूर रिवर जो है वो कई नदियों से मिलके बनती है, जैसे अगर मैं कहूँ इसको ओनोन, आर्गुन वगैरह कुछ नदियाँ हैं, इनके नाम इसलिए मैंने लिखे यहाँ पे, छोटी छोटी कई नदियाँ हैं। तो ये कुछ एक दो नदियाँ जो हैं वो मंगोलिया से होती आती हैं और कुछ चाइना से हैं। फिर इस तरीके से ये नदी बनती है आमूर रिवर। आमूर रिवर जो है चाइना और रशिया से होती हुई कहाँ गिरती है, ये सी ऑफ ओकोटस्क, और यहीं पे तातार स्टेट है उसके पास में गिरती है, लेकिन सी ऑफ ओकोटस्क वाले हिस्से में आती है। नीचे सी ऑफ जापान है पता ही है, सखालिन आइसलैंड से, ये भी आपने देख ही लिया पीछे। तो अब हम इसको छोटा करते हैं और देखते हैं हमारी। हाँ, अब ये देखिए, हमने ओब रिवर पढ़ा, ओब रिवर और इसकी दो सहायक पड़ी, तीन सहायक थी, इरिटिस, इरिटिस की सहायक थी इसिम और टोबोल, और ये ओब है। ओब किससे, बिया कातून से मिलके बनी थी, और ये किसमें, ओब रिवर फ्लो इनटू आर्कटिक। इरिटिस हमने देखी ट्रिब्यूटरी ऑफ ओब, और अल्टाई माउंटेन से निकली थी ये भी देख ली, मर्ज इनटू ओब रिवर। इसिम और टोबोल इसकी सहायक है, एनईसी के बारे में जान लिया। ये मंगोलिया से निकली थी यहाँ से, और ड्रेनेज क्या है, एनईसी गल्फ में है, एनईसी गल्फ है, और वो कहाँ, कारासी से लगता है, और टंगुस्का और अंगारा इसकी सहायक हैं, अंगारा और टंगुस्का। और इसके बाद में ये हमने लेक बैकाल इसका सोर्स अंगारा का देखा था, फिर लीना के बारे में सीखा था। लीना जो है वो कहाँ से है, ये बैकाल माउंटेन से निकली थी, और इसकी ब्लूई और अलादीन है, फिर इंडिगरका और कोलिमा और अनादिर और आमूर सीखी। तो इस तरीके से ये हमारा, इनकी नदियों का पूरा चार्ट बन गया है, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं लेक बैकाल के बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ जो मेन मेन बातें नोट कर रहा हूँ वो देखिएगा। जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, अब अभी हमने कल तो पढ़ उस दिन पढ़ा था ना, लार्जेस्ट वाटर जो है, लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सी पढ़ी थी, लेकिन वो कैस्पियन है बाई एरिया, लार्जेस्ट बाई एरिया, सरफेस एरिया, और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे सॉल्ट वाटर की तो भी वही है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक वर्ड्स का ध्यान देखना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे लेते हैं आपको मालूम है, सरफेस तो आपको मालूम है लेंथ और विड्थ से चलता है, लेकिन हमारा जो एरिया चलता है और उसका जो है हाइट, यानी कि तीनों चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अगर गहराई के मामले में डीपेस्ट लेक है, तो ये सबसे गहरी लेक है। तो जब गहराई भी आ गई और ऊपर से इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो गहराई और एरिया तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गई और वर्ल्ड डीपेस्ट लेक हो गई, ठीक है। तो अब ये इसे ब्लू आई ऑफ, एक चीज़ और बोलते हैं, ब्लू आई ऑफ, सॉरी, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने ये एक नई चीज़ मतलब जो है पॉइंट नोट करना है बस, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाई वॉल्यूम, डीपेस्ट लेक, ओल्डेस्ट लेक भी है, ये ओल्डेस्ट लेक भी है वर्ल्ड की, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया। अब लार्जेस्ट अगर हम फ्रेश वाटर बाई एरिया, सरफेस एरिया, फ्रेश वाटर की बात करूँ, साल्ट लेक, नहीं साल्ट लेक की बात करूँगा तो लार्जेस्ट अभी भी कैस्पियन है। अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग जो है लार्जेस्ट कौन सी है बाई एरिया, सरफेस एरिया, वो लेक सुपीरियर है जो कहाँ है, यूएसए में। अब आ जाते हैं कि इसके बाद में हम ये देखते हैं इसका, ये जो हिस्सा है जो हम अभी पढ़ते आए थे, अब लेक्स का ये एक सर्किट है यहाँ पर, जैसे हम यूएसए में पढ़ते थे फाइव फिंगर लेक्स हैं जो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत फेमस लेक्स हैं। ये दिख रही होंगी लेक ओडेगा, लेक ओनेगा, लेक बिलोए,
और लेक रिविंसकोए। तो ये रिविंसकोए रिजर्वायर है वैसे, तो अब ये दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, ये है कनेक्टिविटी। तो ये है तो और अच्छे से लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर है रिवर नीवा, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड बताई थी मैंने जो बाल्टिक सी से होकर आई थी, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद में रिवर नीवा जो है, यहाँ पर रिवर नीवा इसको कनेक्ट कर रही है। किससे कनेक्ट कर रही है? ये हमारी लडोगा से, लेक से। फिर इसके बाद में एक रिवर सिवेर है, सिवेर किसको कनेक्ट कर रही है? ओनेगा से। फिर हमारा ये लेक ब्लोए है, ब्लोए और जो रिविंसकोए है ये इसके बीच में है रिवर शेक्सना, SHEKSNA शेक्सना। तो ये एक सर्किट बना, फिनलैंड, नीवा, लडोगा, सिवेर, ओनेगा, फिर ब्लोए कैनाल के द्वारा एक, फिर सेक्सना, फिर जो रिजर्वायर है रिविंसकोए, इसे लेक भी बोल देते हैं। अब यहीं से इसको कनेक्ट कर रहा है ये किससे? बोलगा रिवर जो बलदाई से निकली है। इस तरीके से बोलगा ऐसे आई है फिर ऐसे करके नीचे गई है बोलगा। अब इसी के बीच में मैंने देख बताया था इसकी एक सहायक है ओका, और ओका की क्या है? मस्कोवा, उसके हिस्से पे मास्को है। तो ये कितना बड़ा ये इनका वाटर नेटवर्क बन गया इसको आप समझिएगा। और ये जो रिवर नेवा है इसी पर है सेंट पीटर्सबर्ग, इस रिवर पे है सेंट पीटर्सबर्ग जिसके बारे में मैंने बताया था, इनका कल्चरल सेंटर है और सेकंड जो है लार्जेस्ट सिटी है इनका। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब हम और दो चार फेमस हैं, लेक तिमिर है। तो ये क्या है? तिमिर पेनिनसुला बताया था मैंने, ये निकला हुआ दिख रहा है, ये तिमिर पेनिनसुला है जिसमें मैंने बताया था कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताया था। और ऐसे ही यहाँ पर लेक खानका लेक जो है चाइना और इसका बॉर्डर बनाती है। ऐसे ही इधर जो है लेक यूवीएस जो किसका है, ये बॉर्डर थोड़ा सा टच करती है किसका? मंगोलिया और रशिया इसके बीच में है। अब ये रिवर अंगारा आपने देखी थी, रिवर सेलेनगा देखी थी, बैकाल से निकलती हुई। और भी नदियां हैं, और अब बैकाल के बारे में हम कुछ विशेष पॉइंट और भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब 20% जो फ्रेश वाटर है वो इसी में आता है, क्योंकि ये डीपेस्ट लेक है इसलिए इसमें जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है। तो आपने ये सब चीज़ें जानी। अब हम जो है एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं जो आपको ऊपर ले चलते हैं। तो खानका तिमिर पहले एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, खानका तिमिर बैकाल यूवियस पेपीएस पीपस बोल देंगे वैसे, लडोगा ओनेगा ब्लोए और रिवेंसकई कोई। तो ये हो गया आपका, ये फेमस रिवर्स हो गई। अब आपका मेन चीज़ है जो मैं आपको इस वाले उसमें समझा देता हूँ। तो आपने देखा मैंने बताया था 1991 में यहाँ पर जो इसका सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तो 15 देश बने थे, एक तो रशिया बना ही बना था आपका, ये आपने ये देखी है रशिया। उसके बाद में जो अलग देश बने थे 14 उनके बारे में जानते हैं। तो तीन तो ये बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक कंट्री मैंने बताया था, बाल्टिक कंट्री क्या है? बाल्टी, ईस्ट यानी एस्टोनिया, लाली लाटविया और ली लिथुआनिया। तो ये तो तीन हो गए। फिर उसके बाद में बताया था बेलारूस चौथा हो गया, फिर हमारा यूक्रेन पांचवा हो गया, फिर इधर हमारा जॉर्जिया और ये अजरबैजान और अर्मेनिया, ये तीन आठ हो गए। फिर ये मैंने यहाँ बताया था पांच सेंट्रल कंट्री बताए थे मैंने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब बताए थे ना पांच, जो मैंने सिखाए हैं ध्यान रखिएगा। तो ये होगा यानी कितने हुए? तीन और एक चार और एक पाँच और तीन आठ और एक आठ और पाँच 13, और ये दिखेगा मालडोवा। तो ये हैं तो पांच सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हो गए। फिर इधर से ये तीन कॉकेसस हो गए, तीन बाल्टिक हो गए, 5 3 8 3 11 और फिर 12 13 14, ये तीन ये नहीं है ध्यान रखिएगा, गलती हो फिर हो गई स्लिप ऑफ टंग, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर मैंने एक चीज़ और से बताई थी, तो ये आपने सारे रिवर पे शहर तो देख ही लिए, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ ये बताई थी मैंने, यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको ऊपर कर लेता हूँ, ब्लाडिवोस्टक, ये क्या है इसका? यहाँ पर पोर्ट है ये, तो किधर की तरफ पड़ रहा है? ये सी ऑफ जापान की तरफ पड़ रहा है ना, यहाँ से इस तरीके से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो यहाँ पर कहाँ गया? मॉस्को तक। तो ये इस तरीके से 7 टाइम जोन्स जो मैंने सिखाए थे उन 7 टाइम जोन से होते हुए गुजरता है।
तो ये चीज़ आपने देख लिया, कितने 15 देश जो सोवियत संघ से टूटकर बने, रूस के अलावा 14, वो भी सीख लिया आपने। तो मुझे लगता है आपने आज इसके बारे में बहुत कुछ सीख लिया। बाकी ये बड़े बड़े सिटीज़ भी देख लिए किसके किनारे हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताना था वो ये है कि जो इन जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के से संबंधित है वो मैं पूरा अलग बनाऊंगा, वो इसलिए अलग बनाऊंगा, फिर इसमें मिक्स हो जाता है कि कहाँ पर मतलब इंडस्ट्री है, कहाँ पर क्या है। उनको फेमस सिटीज़ के बारे में केवल लोकेशन दिखाने का काम था, अभी मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपने मुझे लगता है बहुत कुछ आज नया सीखा होगा। ये सब नेटवर्क तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लोग नहीं बताते हैं, और इसी तरीके से लेक्स में वही बता देते हैं, बैकाल वगैरह, और ये रिवर्स इतनी सारी कोई नहीं बताता है, मैंने वो भी देखा है। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको अच्छा बना दूँ, ये मेरा पर्पज़ है। तो आपको अच्छा बनना है और आपको सिलेक्शन लेना है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ये कहता हूँ आपको ज्योग्राफी से प्यार करा दूँगा, ऐसी स्थिति ला दूंगा कि आपको ज्योग्राफी से प्यार होने लगेगा, बस जुड़े रहिए। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि देखते रहेंगे आपको ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगा, आप इसे पसंद करने लगेंगे। तो मेरे मुझे बस इतना है, मेरे इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं भी आगे बढ़ सकूँ। मेरा भी आप पे ही भरोसा है, आगे बढ़ने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा, लेक्चर्स लाता रहूँगा। और धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।